हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत मैं अपना जो मेरा पहले वाला 12 साल पहले का मैंने आपको मंदिर वाली ट्रैवलिंग थी वो उसका दूसरा पार्ट है, वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और हाँ, कुछ एक बातें हैं दोस्तों जो मैं आपको अभी नहीं बता सकती, क्योंकि हर एक चीज़ का सही वक्त आने पर ही कहा जा सकता है। तो अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकती, पर आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, मेरे कुछ बिना कहे ही समझ जाते हैं। और प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। मैं कभी कभी ऐसा कहती हूँ कि बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिएगा, आप सब समझ जाओगे। तो चलिए करते हैं आज के वीडियो शुरुआत। और ये वीडियो का पार्ट टू है। अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा वो वाली वीडियो भी। और ये देखिए, ये हमने कर लिए थे जो मेन ज्वालामुखी जो मंदिर है उसमें माँ के दर्शन, माँ की ज्योति के दर्शन। और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा एकदम मन को मोह लेता है। ऐसा लगता है कि बस यहीं आकर के हम बस जाएं। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर यहाँ की जो छटा है और माँ का जो रूप है निराला सा, उसे देख करके ऐसे लगता है कि मानो माँ अभी कुछ बोल उठेगी। और बस मैंने कुछ नहीं ज़्यादा मैं कुछ नहीं मांगा है, मैंने बस इतना मांगा है कि माँ मेरे साथ जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सब की मनोकामना पूर्ण करना और उनको सभी को खुश रखना। देखिए, यहाँ से हम जा रहे थे माँ तारा देवी के मंदिर ऊपर जा कर के, तो यहाँ से मैंने जो नीचे वाला जो दृश्य है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता था और ये मैंने ऊपर से शूट किया था। बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर। और धूप यहाँ पे हल्की हल्की सी अभी छू रही थी, हालांकि पूरी तरह से यहाँ पर अभी धूप नहीं निकली थी। और सर्दी वंशु, मैं, चेतन, उसकी दादा और उसके पापा जी, हम सब जा रहे थे ऊपर की साइड को। तो यहाँ से धीरे धीरे वंशु धीरे धीरे चढ़ रहा था तो मैं बस रुक रुक के थोड़ा थोड़ा शूट कर लेती थी, ज़्यादा मैंने नहीं किया है। और यहाँ से कुछ लोग जा रहे थे वापस, तो कुछ आ रहे थे माता के दर्शनों के लिए। माँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा, मेरे जितने भी मेरे साथ मेरी YouTube फैमिली जुड़ी हैं। और बस यही खास पल थे। उसके बाद में हम यहाँ पे पहुँचे थे, सबसे पहले एंट्री होती है ऊपर जब हम तारा माँ के मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले शनि देव जी का मंदिर है। तो यहाँ पे ये चारों चेतन वंशु, उसके पापा और उसके दादाजी यहाँ पे आगे खड़े थे, तो मैं नहीं जा रही थी, मैं बस पीछे ही खड़ी थी। पता नहीं मन में खुशी थी या गम था, उदासी थी, बट अजीब जैसा लग रहा था कुछ, क्योंकि अक्सर होता है जो कि मैंने 12 साल पहले महसूस किया था आज भी वही सेम था, कुछ भी नहीं बदला था। बदला था तो बस यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा, बाकी और कुछ नहीं बदला था। ना मैं बदली थी, ना मेरे घर वाले बदले थे और ना ही कुछ और बदला था। और ये देखिए, ये है माँ का शैया भवन। मुझे यहाँ पे बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे आने के बाद में मन को एक शांति सी महसूस हो रही थी। और ये चेतन आगे और इसके पापा वंशु ये आगे जा रहे थे माँ के दर्शन करने, मैं बस पीछे पीछे से, इनके पीछे पीछे से कैमरामैन बन करके चली थी। और यहाँ पे भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, यहाँ पे सभी लोग जो है वो माँ के दर्शन कर रहे थे। और इसके बाद में हम चल पड़े थे डायरेक्टली घर को। हालांकि यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, पर हम ज़्यादा देर नहीं रुके हैं यहाँ पे। बस सिर्फ हमने बाल चढ़ाए थे और जो मन्नत थी वो चढ़ाई, और उसके बाद में हम डायरेक्टली चल पड़े थे वापस यानी कि घर के लिए। और यहाँ पे चेतन कुछ मुझे बोल रहा था तो मैं यहाँ पे खड़ी होकर के उसकी बातें सुन रही थी। अब ये पता नहीं मुझे क्या बोल रहा था, मुझे ध्यान नहीं है। और हाँ, मैं पीछे शायद इसके दादाजी आ रहे थे तो मैं इनके दादाजी का वेट कर रही थी, क्योंकि वो पीछे से धीरे धीरे आ रहे थे।
और अभी हम चल पड़े थे घर के लिए। और ये देखिए मैं और चेतन, चेतन मेरा बड़ा समझदार है बहुत ज़्यादा। और मैं तो माता रानी से बस यही प्रार्थना करूँगी कि मेरे दोनों बच्चे हमेशा खुश रहें और मेरे बच्चों को कभी कोई परेशानी ना हो। माता रानी जितनी भी परेशानियाँ होगी वो मेरे ऊपर आए, पर मेरे बच्चों को कभी ज़िंदगी में उनकी कोई गम ना आए। बस इतनी कोशिश करूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं ना कुछ दे सकती हूँ और ना कुछ कह सकती हूँ, बट इतना ज़रूर कहूँगी कि माता रानी अगर मेरे बच्चों पे कोई दुख आए, कोई तकलीफ़ आए, तो वो सबसे पहले मेरे ऊपर दे देना। मैं सारे जितने भी दुख तकलीफ़ है सब सहन कर लूँगी, पर मेरे बच्चे ऐसे ही हंसते और खेलते मुस्कुराते रहें। और ये देखिए वहीं से जहाँ से हम ऊपर चढ़े थे वहीं से हम आ रहे थे नीचे की साइड को। और हाँ, आप लोग जानना चाहते हैं ना कि मेरे पतिदेव क्या करते हैं? मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आपके पतिदेव क्या करते हैं। मैंने बहुत बार बताया है आप लोगों को, वीडियो भी बनाई है, तो आप लोग ना वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, मेरी पीछे वाली वीडियो है। और जो लोग मुझसे नए जुड़ते हैं वो पूछते हैं, और जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि मेरे पतिदेव जी क्या करते हैं। और हम वापस आ गए थे यहीं बस स्टैंड में ज्वालामुखी के, और यहाँ पे कर रहे थे गाड़ी का इंतज़ार, क्योंकि जहाँ पे गाड़ी पार्क की थी ना वो हमारे स्वामी महाराज वहीं गए थे गाड़ी लेने, और यहाँ पे हम खड़े खड़े उनका इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पे। और अब हमें जाना था इस साइड को, नीचे वाली साइड को, इस साइड को जाना था वापस घर के लिए। तो मैं ऊपर वाली साइड को देख रही थी क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और हमारे जो पति महोदय थे वो अभी तक नहीं आए थे, तो ऊपर से मैं देख रही थी कि वो कब जैसे आएंगे। और यहाँ से हम, मैं आगे कुछ तस्वीरें लगा रही हूँ। ये देखिए चेतन, उसके दादाजी और वंशु, ये वंशु चेतन और उनके पापा, ये मैं वंशु चेतन, और ये यहाँ पे मैं हूँ, और ये रहे मेरे पति देव जी वंशु और चेतन, और इनके दादाजी चेतन, इसके पापा और वंशु। और ये रहे यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे दो आंखों के तारे, देखिए वंशु पता नहीं क्या देख रहा है ऊपर की साइड को। और यही है वो जगह जो मुझे 12 साल बाद यहाँ तक फिर से खींच लाई, पता नहीं न जाने क्या था यहाँ पे ऐसा, पर जो भी था बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ से मैंने कई सारी क्लिपिंग है जो अपने पास रखी है, क्योंकि ये मेरे लिए यादें हैं, इसीलिए मैं इनको यूट्यूब पे डाल रही हूँ। हालांकि मन तो नहीं कर रहा था कि मैं इनको यूट्यूब पे डालूँ, पर न जाने ये मेरे बात भी सेफ रहेगी यहाँ पे, तो इसीलिए बस यही सोच करके मैंने इनको यूट्यूब पे डाला है। अदरवाइज़ मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मैं इनको डालूँ या आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, बट पता नहीं माइंड में ऐसा कुछ आया कि नहीं मैं इनको यहाँ पे डाल देती हूँ, हो सकता है ये मेरे फ़ोन से कल को कहीं गायब हो जाए, तो ये यहाँ से यहीं पे सुरक्षित रहेंगी और यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तो देखिए हम जा रहे थे फिर से घर को वापस, आगे हमारे पतिदेव जी और हमारे ससुर जी, मैं चेतन वंशु, हम बैठे थे पीछे। और आगे मुझे यहाँ का पता नहीं हम कहाँ जैसे पहुँच गए थे, शायद अभी चले ही थे यहाँ से, क्योंकि सुबह तो बहुत ही मतलब ऐसे था, अभी कुछ ढंग से नहीं था, सूरज भी निकला हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा था जब हम आए थे, तो जाने के बाद में अभी कुछ थोड़ा उजाला हुआ था, पर अभी आए और अभी चल पड़े थे, तो होता ही है अजनबी जगह पे नहीं इतना पता लगता। और यहाँ पे ये रुके थे, ये हमीरपुर से थोड़ा सा पीछे हैं शायद, आप लोग मुझे बताना जो यहाँ से होंगे कि ये कहाँ है, कौन सी जगह है। तो ये यहाँ पे रुके थे, ये लंच कर रहे थे, और इस टाइम शायद 12:30 हुए होंगे। तो चेतन वंशु और इनके पापा और इनके दादाजी लंच कर रहे थे, और मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं था, मैंने कुछ नहीं खाया था, ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था, क्योंकि मन नहीं कर रहा था कि कुछ खाऊं पीऊं,
नहीं, बस मन में ना वही सवाल वही जवाब जो कि हमारे कभी पूरे हमें नहीं मिले, ना सवाल ना जवाब उनके आंसर। तो यहाँ पे पता नहीं आंखें भर आ रही थी, और ये पता नहीं आंखें गम की भर आई थी या खुशी की, मुझे नहीं पता। बट मैं ऐसा होती कि मैं हर एक पल, मेरी खुशी है या गम है, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।